पूरे देश से आए युवा वैज्ञानिक छात्र और शिक्षक यहाँ पर अभी अभी राष्ट्रपति महोदय को सुन करके आए हैं। बेसिकली महाराष्ट्र के पूरी टीम यहाँ पर सज धज के खड़ी है। जय भारत। बच्चों में क्रेज, युवा वैज्ञानिक जो कि विदेशों में यात्रा करने के इच्छुक हैं, उन पर विदेशों के आए वैज्ञानिकों के साथ फोटो और वीडियो बनाने का क्रेज है। बच्चे ऑटोग्राफ ले रहे हैं साइंटिस्ट का, पर्सनल डिस्कशन अबाउट हिज करियर। बच्चों में फोटो खिंचाने का क्रेज, फोटो और सेल्फी ना हो तो ऐसा होता ही नहीं है। बिहार के पटना से आए बच्चों का इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या मानना है, क्या कहना है? हम लोग को यही सरकार से और IISF वालों से यही चाहते हैं कि नॉर्थन ईस्ट के जो भी स्टेट हैं वहाँ पर भी इसी तरह का प्रोग्राम करवाना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चों को भी आगे भविष्य में प्रेरणा मिले कि वो भी एक भारत का उज्ज्वल भारत का निर्माण करें और भविष्य में वो भी एक वैज्ञानिक बने और भारत का नाम रोशन करें। हमारे साथ तेलंगाना के कामारेड्डी से आए बच्चे हैं जो कि आज साइंस विलेज में विजिट करने के लिए आए हैं। उनकी क्या उम्मीदें हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? ये स्टेज पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए हैं, वो नैनी लोग वो समझा, हम बहुत अच्छा समझाए वो उनकी इंग्लिश में समझाए, पर हम जो इंग्लिश में समझाए या बैठे से सब बच्चों में छात्रों में से 80% हिंदी बात करने वाले बच्चे थे। वो वहाँ बैठे से वाले बच्चों में से कोई एक आदमी प्रोफेसर हिंदी में ट्रांसफर करके बोल चुका था, हम उसको समझ के उसका आधार करके हम जाके हमारे गाँव में उसको बता के उसको कैसा करना, नीट कैसा रहना वो बोले से वो कर सकते हैं। ये हमारा संदेश है।